नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है और इंश्योरेंस कंपनी नहीं सुन रही है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि बैंकिंग सेक्टर में है कि आपकी बैंक कंप्लेंट नहीं सुनता है तो आप आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट लिखा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर इंश्योरेंस में भी आपकी कंप्लेंट नहीं सुनाई जा रही है या क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आप इंश्योरेंस के इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट्स लिखवा सकते हैं। ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का इन्होंने डिटेल्स दिया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। वहां से आप इसके जो भी बैंक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है उनका एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता कर सकते हैं कि भाई कौन से जुरिस्डिक्शन में कौन सा ईमेल ओम्बड्समैन आता है, वो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। तो आप अपने जो भी जुरिस्डिक्शन में ओम्बड्समैन आता है उसकी डिटेल्स यहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में किस टाइप की कंप्लेंट्स लिखाई जा सकती है, क्या है उसके बारे में दोस्तों पता करना है तो हम जाते हैं एफएक्यूज पे। यहाँ पे एफएक्यूज पे मैंने क्लिक किया है और अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि कौन सी कंप्लेंट्स है वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास डाली जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने ए से लेके आई तक लिस्ट दी है। तो पहली कंप्लेंट है कि अगर डिले हुआ है आपके सेटलमेंट में, किसी भी प्रकार का डिले हो रहा है तो आप डाल सकते हैं, या पार्शियल या पूरी तरीके से जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है, या प्रीमियम से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कंप्लेंट, और पॉलिसी को मिस रिप्रेजेंट किया है अगर इंश्योरेंस कंपनी ने तब भी यहाँ पे कंप्लेंट डाली जा सकती है। अगर पॉलिसी के लीगल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, पॉलिसी सर्विसेज से रिलेटेड कोई ग्रीवेंसेज है तो भी कंप्लेंट की जा सकती है, और इश्यूएंस ऑफ लाइफ पॉलिसी विच इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद द प्रपोजल, यानी आपका जो प्रपोजल था उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पॉलिसी इश्यू नहीं हुई है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो भी आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, या आपको पॉलिसी इश्यू नहीं हुआ है प्रीमियम पेमेंट के बाद तो भी कंप्लेंट किया जा सकता है, या फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938 या एडा के कोई भी गाइडलाइन है उनका अगर उल्लंघन किया है आपको पॉलिसी देने में तो भी आप यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप काफी जितनी भी आपके इश्यूज रहते हैं उनसे रिलेटेड, सारी इश्यूज से रिलेटेड कंप्लेंट यहाँ पे डाली जा सकती है। तो कंप्लेंट कहाँ करनी है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो ओम्बड्समैन है उसके पास आपको कंप्लेंट करनी है, और ओम्बड्समैन के पास अप्रोच करने के लिए क्या है, इन्होंने बोला है कि कंप्लेंट की कोई लिमिट है क्या, इसके बारे में बताया है कि आपका जो कंप्लेंट है इंश्योरेंस कंपनी से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी का कंप्लेंट था जो आपने डाला था उसके 1 साल के भीतर भीतर आपको कंप्लेंट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास डालनी है, यानी आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया और आप कंप्लेंट डालना चाहते हैं तो विद इन 1 ईयर आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट डालना है। अब आप पूछेंगे कितनी अमाउंट तक का क्लेम डाला जा सकता है, तो दोस्तों इनका इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की लिमिट है और वो लिमिट है 30 लाख रुपए की, यानी अगर आपका क्लेम की अमाउंट, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो 30 लाख तक है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपकी क्लेम है तो आपको कोर्ट में क्लेम के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा या आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और आपकी कंप्लेंट डालने से पहले प्रीरिक्विजिट्स क्या है वो आप देख लीजिए कि आपका जो है द कंप्लेनेंट मस्ट बी एन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल ही कंप्लेंट यहाँ पे डाल सकता है, कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंप्लेंट नहीं डाल सकता है। और इसके लिए इन्होंने बताया है कि आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में अप्रोच करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी में एक कंप्लेंट डालना पड़ेगा और वो कंप्लेंट या तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देगा या वो इंश्योरेंस कंपनी 1 महीने के अंदर जवाब नहीं देगा, या इंश्योरेंस कंपनी का जो जवाब आया है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, इन तीनों कारणों से आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट नहीं डाला है तो आपका कंप्लेंट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में नहीं एक्सेप्ट होगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट डालना है और कम से कम 1 महीने तक इंतजार करना है। अगर 1 महीने तक रिप्लाई नहीं आया तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, या आपको रिप्लाई आ गया लेकिन वो रिप्लाई है आपको पसंद नहीं है तो भी आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जा सकते हैं, या उन्होंने जो कंप्लेंट थी वो रिजेक्ट कर दी तो भी आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया जो कंप्लेंट है वो ऊपर, अगर जो हमने कंडीशन बताई है कि इंश्योरेंस से कंप्लेंट नहीं आया, रिजेक्ट हुआ, जो भी है उसके 1 साल के भीतर भीतर आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जाना है। और अगली बात है
कि 30 लाख से ऊपर का क्लेम है उसके लिए अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन नहीं जा सकते हैं। 30 लाख तक की अमाउंट के लिए आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जा सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि अगर कोई कोर्ट में कहीं भी केस चल रहा है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन नहीं जा सकते हैं। फिर आता है लॉयर के थ्रू, आप किसी एडवोकेट के थ्रू कंप्लेंट डालना है क्या, तो इन्होंने साफ साफ मना किया है कि कोई किसी लीगल लॉयर के थ्रू आपको कंप्लेंट नहीं डालना है, आप खुद कंप्लेंट के लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास इन्होंने बताया है कि 1 महीने के भीतर भीतर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन उस कंप्लेंट को रिजोल्व करने की कोशिश करता है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जब आप कंप्लेंट डालते हैं उसका किसी भी प्रकार का कोई फीस या चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है, ये फ्री का प्रोसेस रहता है और कुछ भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। फिर है क्या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, तो दोस्तों हाँ, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने अगर कंप्लेंट आपके फेवर में नहीं दिया है और आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का डिसीजन है वो ठीक नहीं है, तो आपके पास बाकी के सारे जितने भी लीगल मार्ग हैं वो सारे पड़े रहते हैं, आप कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, तो वो मार्ग भी आपके पास खुला रहता है। तो दोस्तों इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है वो एक अच्छी फीचर है इंश्योरेंस बायर्स के लिए, क्योंकि पहले क्या था, इंश्योरेंस कंपनीज अपनी मनमर्जी करता था, लेकिन जब से इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आया है काफी सारी कंप्लेंट्स है वो यहाँ पे रिजोल्व हो जाती है। और इससे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स की डिटेल्स भी आप यहां से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का जो डिटेल्स आपको जानना है तो यहाँ जो मैंने बताया था अबाउट अस, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से रिलेटेड डिटेल्स बताई है। और होम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो भी है कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, और ये आपके आ जाते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। बाकी जो कंपनीज हैं उनका भी अगर आपको कोई कंप्लेंट डालनी है उनके अगेंस्ट कि भाई कंप्लेंट डालनी है उसका रिकॉर्ड रखना है, तो दोस्तों अगर वो आपको लिखित में जवाब नहीं देता है इंश्योरेंस कंपनी वाला कि भाई मैं लिखित में जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप उसको इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल कर दीजिए यहाँ से। तो ये उन इंश्योरेंस कंपनी के एड्रेसेज है, ईमेल एड्रेसेज है जहाँ पे ईमेल किया जा सकता है, ताकि अगर ईमेल में या तो वो जवाब देंगे या आपको 1 महीने तक ईमेल में जवाब नहीं आएगा तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाके बता सकते हैं कि भाई आपने 1 महीना हो गया अभी तक जवाब नहीं आया है, और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट पे एक्शन लेगा। तो दोस्तों ये इंश्योरेंस जो एडा का है ये जो फीचर है बहुत ही अच्छी फीचर्स है, काफी कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स है, और इंश्योरेंस में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है वो इंश्योरेंस जो एडा है उन्होंने उठाया है। और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के जो अवार्ड्स हैं वो काफी कस्टमर फ्रेंडली अवार्ड्स हैं, बहुत सोच समझ करके ये लोग डिसीजंस लेते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो कस्टमर है वो खुश हो जाता है उनके डिसीजन से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अब इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होगी वो रिजोल्व करवाने में आपको काफी आसानी होगी, और यहाँ पे जो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का जो डिटेल है ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो आपको आइडिया नहीं है कहाँ पे कंप्लेंट करना है, तो ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने डायरेक्ट आपको इनके जो एड्रेसेज है वो बता दिए हैं ताकि आप यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं, और उनके एड्रेसेज भी बता दिए हैं, अगर आप लेटर भेजना चाहते हैं तो लेटर भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे, बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोगों ने डाले हुए हैं उन वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आइकन आ रहा है उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे और करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ सिनॉप्सिस है इन्होंने जो रिसेंटली अवार्ड्स दिए हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर हम देखें इनके जो लेटेस्ट अवार्ड्स हैं वो देखते हैं तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग अवार्ड्स इन लोगों ने दिया है। दिसंबर का एक अवार्ड है वो हम देख लेते हैं कि ऊपर ये क्या इसको डालते हैं, डेथ क्लेम से रिलेटेड एक अवार्ड है उसको हम यहाँ पे रीड करते हैं दोस्तों, तो
काफी इंटरेस्टिंग चीजें आती है इसमें, काफी लर्न करने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इनका अवॉर्ड आता है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। और ये भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से ये जो कंपनी हाउ डिस्पोल्ड, तो डिसमिस्ड हो गया इनका क्लेम। तो इन्होंने पूरा कंप्लेंट डाला है, आपको पूरा तरीका यहाँ पे मिल जाता है कि किस प्रकार से कंप्लेंट डालनी है, ये चीज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है।